हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, आज ये असेंबली लैंग्वेज का जो ट्यूटोरियल्स नंबर है वो 4 है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज में सबसे जो मेन पर्पज की जो चीज़ होती है वो आप जानते हो सब, अगर आपने थोड़ी बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग की है। तो जो सबसे जो मेन जो चीज़ होती है रिवर्स इंजीनियरिंग में या फिर असेंबली लैंग्वेज में जो अपन को सीखने लायक होती है, फिर अपन को उस चीज़ को सीखना चाहिए, तो वो चीज़ है रजिस्टर। रजिस्टर क्या चीज़ होती है वो चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, और रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या 64 बिट और 32 बिट के भी होते हैं क्या, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, रजिस्टर के सिंपली मैं दो लेसन देने वाला हूँ या फिर दो ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ, जिसमें आज आपको एकदम जो बेसिक होता है ग्राफिकली वो समझाने वाला हूँ, और उसके बाद में जो जो इंटरनली जो रजिस्टर होते हैं, जैसे कि वो कैसे वर्क करते हैं या फिर हाउ टू वर्क सीपीयू रजिस्टर, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रजिस्टर वर्क कैसे करते हैं और हमें रिवर्स इंजीनियरिंग में इन रजिस्टर की इतनी क्या ज़रूरत है कि हम इनके बिना रिवर्स इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते या फिर सॉफ्टवेयर को क्रैक कर ही नहीं सकते। तो इसके कम से कम दो ट्यूटोरियल्स या फिर तीन ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है असेंबली लैंग्वेज का रजिस्टर और रिवर्स इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आपको ऊपर ऊपर से ना बताऊँ, मैं सोचता हूँ कि आपको पूरा डेप में बताऊँ ताकि आप भी कुछ चीज़ें जान सके। दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए छोटे छोटे बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए, तभी आप एक असेंबली के कोड को समझ पाओगे और सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअल में रजिस्टर ग्राफिकली कैसे वर्क करते हैं वो चीज़ यहाँ पे अपन इस इमेज के थ्रू जानने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता है कि एक्चुअल में जो हमारी मशीन होती है, जो कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर जो अपनी भाषा होती है उसको समझ नहीं पाता है। देखो, यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे ये जो मेमोरी है ना, ये मेमोरी होती है अभी कैश मेमोरी या फिर रैम मेमोरी, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं अपन सबसे पहले स्टार्ट से बात करते हैं, आपको इस चीज़ को स्टार्ट से समझना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम जैसे ही अपना जो पीसी है उसको ऑन करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या होता है हार्डवेयर के रूप में, एक हार्ड डिस्क होती है, एक रैम होता है, एक कैश मेमोरी होती है और सीपीयू में लगे रजिस्टर होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मेमोरीज होती है, लेकिन ये काम क्या करती है, इनका सबका काम सेम है कि ये जितना भी जो डेटा होता है या फिर जितना भी जो टूल्स होती है उनका डेटा को स्टोर करती है या फिर स्टोर करके उसको डिलीट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टोरी या फिर कुछ मेमोरीज ऐसी है जो टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करती है और कुछ मेमोरीज ऐसी है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। तो हमने क्या किया कि अपना जो पीसी है उस पीसी के अंदर हमने जो हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है वो अपन ने लगाई हुई है। तो हमने क्या किया कि उसके अंदर अपने जितने भी फोटोज़ वगैरह है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, टूल्स वगैरह है और जितने भी सॉन्ग वगैरह, वीडियो वगैरह, वो अपन ने अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर रखे हैं। अब हार्ड डिस्क एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि उसमें उसको अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के साथ साथ वो एक ऐसी मेमोरी है या फिर एक ऐसी स्टोरेज जिसके अंदर हम परमानेंट डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छा से चाहे तभी डेटा उसको डिलीट कर सकते हैं, वरना वो अपने आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। तो ये एक परमानेंट स्टोरेज हो गई या फिर परमानेंट एक स्टोरेज मेमोरी हो गई, ठीक है। अब जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी जो फाइल है उसको आपने एक्सेस करना चाहते हो, आपका सबसे पहला जो स्टेप वो क्या होगा, आप हार्ड डिस्क के अंदर जाओगे, हार्ड डिस्क के अंदर उस चीज़ को फाइंड करोगे और उस चीज़ को डायरेक्ट आप क्या करोगे, रन करोगे। तो रन करने से पहले क्या होगा कि वो चीज़ जितनी भी स्टोरेज या जितनी भी उसके साइज, जैसे कि आप मान लो कि कोई आप सॉफ्टवेयर है उसको आप 500 MB का एक सॉफ्टवेयर है जो आप ओपन कर रहे हो, तो ओपन करने के बाद में क्या होता है कि 500 MB का जो या फिर 500 MB का जो डेटा है वो सारा का सारा सबसे पहले हार्ड डिस्क में लोड होगा। अब आपका ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हार्ड डिस्क से वो चल पाएगा, अब इसमें भी छोटे छोटे स्टेप बाई स्टेप मेमोरीज होती है, कंपोनेंट लगे होते हैं जिनके द्वारा डेटा है जो एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले जो हार्ड डिस्क है उसमें से 500 MB का जो टूल्स है वो रन करना स्टार्ट करेगा, तो वो क्या होगा, लोड होना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही वो लोड होगा, तो लोड होने के बाद में आपके पास क्या है, कंप्यूटर के अंदर रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या करती है कि जितना भी जो डेटा होता है उसको एक्सेस करती है और उनको लोड करके उनको एग्जीक्यूट करवाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जो हार्ड डिस्क की स्पीड कम होती है हमेशा रैम से, तो हार्ड डिस्क ने क्या किया कि अपना जितना भी जो टूल्स था जो आप लोड कर रहे हो, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो टूल्स सारा सा लोड करवाया
मेमोरी उसमें रैम के अंदर, ठीक है। अब रैम ने क्या किया, रैम ने जितना भी टूल्स था उसको फास्टली अपने अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद में क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि रैम ने जैसे ही अपना टूल्स स्टोर किया अपने अंदर स्टोर करती तुरंत वो रन हो गया, तो रैम ने क्या किया, अब रैम के आगे भी एक मेमोरी होती है जो रैम से भी 10 गुना फास्ट होती है। ठीक है, अब रैम से भी आगे एक मेमोरी होती है जो रैम से 10 गुना फास्ट होती है, उसे बोलते हैं दोस्तों अपन कैसे मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है कि वो रैम से भी 10 गुना फास्ट होती है, वो क्या करती है जितना भी जो डेटा है उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है और स्टोर करने के बाद में वो डायरेक्ट सीपीयू के अंदर उनको भेजती है। ठीक है, तो कैसे मेमोरी ने क्या किया कि अब कैसे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है अपने अंदर। अब कितना टाइम लगेगा स्टोर करने के लिए, वो इतना टाइम लेती है कि उसने रैम से डेटा लिया और रैम से डेटा लेने के बाद तुरंत सीपीयू को डेटा भेज दिया। ठीक है, अब सीपीयू भी एक बहुत बड़ी स्टोरेज नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सीपीयू स्टोरेज है या बहुत बड़ी स्टोरेज है, एक्चुअली में सीपीयू स्टोरेज नहीं है। सीपीयू के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। और रजिस्टर हमेशा क्या होते हैं, एक मेमोरी होती है, फिर एक छोटी सी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी जो डेटा होता है उसको ही अपने अंदर स्टोर करके रखती है। एक्चुअल में देखो, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को आप इसे ऑन करते हो, ऑन करने के बाद में सॉफ्टवेयर को रन करते हो, तो रन करने के बाद में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस बाय प्रोसेस सीपीयू के अंदर लोड होता है और सीपीयू क्या करता है उसी सॉफ्टवेयर का हजारों टुकड़े करके और उन टुकड़ों को क्या कर देता है रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि सीपीयू के अंदर एक ही रजिस्टर है, सीपीयू के अंदर एक्चुअली बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। अब जैसे ही आपने पीसी ऑफ किया या फिर मान लो कि अचानक आपके कंप्यूटर की लाइट चली गई, तो सीपीयू के अंदर जितना भी जो डेटा था वो टेम्परेरी था और वो उसी टाइम डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप जैसे पीसी ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद में आप जितना भी जो नया डाटा है उसको आप जैसे स्टोर करोगे तो नया डाटा स्टोर होगा, वो भी टेम्परेरी डाटा के रूप में होगा। अब आपको पता है कि एक्चुअल में जो रजिस्टर होते हैं वो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, तो वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। अब सीपीयू के अंदर दो तीन चीजें होती है, एक आपका रजिस्टर, एक आपका एलयू, ठीक है, और एक आपको होता है पीसी। अब एलयू और पीसी के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन अपन का जो टॉपिक है मेन वो है रजिस्टर। ठीक है, अब रजिस्टर आपको मैंने बता दिया कि टेम्पररी स्टोरेज है या फिर टेम्पररी मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करती है। और हमेशा ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर जब सीपीयू के अंदर लोड होता है तो लोड होने के बाद में वो हजारों टुकड़ों में टूट जाता है और हजारों टुकड़ों टूटने के बाद में रजिस्टर में स्टोर होता है। अब रजिस्टर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कैसे मेमोरी से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे सबसे जो फास्ट जो स्टोरेज है या फिर जो फास्ट मेमोरी कौन सी हुई, तो यहाँ पे सबसे फास्ट मेमोरी हुई आपके रजिस्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया तो वो सॉफ्टवेयर हमने अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि कोई भी हमें एक पर्सनल लैंग्वेज आती है, जैसे कि आपको जावा आती है, सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, सी शार्प आती है, तो आपने क्या किया उसी कोड को सी शार्प में या किसी अपनी पर्सनल लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, कंप्यूटर क्या करेगा उसी पूरी लैंग्वेज को कंपाइलर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अब मशीन कोड एक्चुअल में क्या होता है, मशीन कोड कुछ नहीं होता, कोई हार्ड ज़्यादा चीज़ नहीं होती। मशीन कोड एक्चुअल में बाइनरी कोड होता है, जो आपको पता है कि जितनी भी जो मशीनें होती है वो सारी 0101 की जो लैंग्वेज होती है, फिर 0101 की जो भाषा होती है उसी को ही वो समझ पाती है। अब यहाँ पर देखो, ये लोकेशन 0 लोकेशन 1 ये सारे क्या है, एक्चुअल में ये रजिस्टर होते हैं बहुत सारे और उन रजिस्टर के कंपोनेंट है और जो सॉफ्टवेयर का जो डेटा जिस रजिस्टर में स्टोर हो रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, 1 लोकेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपन जो अपनी हार्ड डिस्क है उस डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और डाटा को वापस, कहने का मतलब कि हम डाटा को लोड और डाटा को रीलोड भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर के द्वारा हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क के द्वारा सीपीयू में। ठीक है, तो एक्चुअल में रजिस्टर की कहानी ये। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन की एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियरिंग में इसका क्या पर्पज है, रिवर्स इंजीनियरिंग में इसको क्यों यूज़ किया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पर जानो। आपको पता है कि रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, सॉफ्टवेयर के जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर जो करंट टाइम जो रनिंग करता है, तो उस रनिंग करने की जो
मोड होता है या फिर रनिंग करने की जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को ये पकड़ पाते हैं। और उस चीज अगर हमें सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होते हैं उनका अगर हमें नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं रजिस्टर के जरिए उन जो सॉफ्टवेयर का डेटा होता है उसको अपन आराम से पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग में सीपीयू के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं रजिस्टर, उनकी नीड होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको एकदम ग्राफिकली बताया है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में इसका ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको कम से कम या तो दो ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ या फिर एक पूरा बड़ा ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।